तो बेसिकली पावर क्यूरी की क्लास में हम बात कर रहे हैं आपके साथ एक छोटी सी चीज, हम बात कर रहे हैं पावर क्यूरी के बारे में। और पावर क्यूरी में हम बात करेंगे अनप्योर डेटा के बारे में, अनप्योर डेटा। और हम बात करेंगे रिलेशनशिप क्यूरी के बारे में इसके बाद। जैसे कि आपके सामने आप देख पा रहे हैं कि डेटा है, अब अनप्योर डेटा क्या होता है? अब जैसे डेटा अभी तो चलो मंथ वाइज है, बट एक डेट वाइज होगा, तो इस पर हम पिवट वगैरह लगा पाएंगे सर? अच्छा, इस डेटा को हम डेट वाइज कर देते हैं, ठीक है। हम इसको जुलाई का महीना का सेल कर देते हैं। आपको डेटा आया हुआ है जुलाई महीने का सेल, और जो कॉलन वाइज आपको टोटल दिया गया है, ठीक है। तो कॉलन वाइज टोटल दिया गया है। अब आपको पिवट के जरिए मान लीजिए कि मंथली टोटल हो सके, या क्वार्टरली टोटल, या 10-10 दिन का ग्रुप, या ईयरली ग्रुप, इस तरह से आपको करना है। तो क्या कर पाएंगे आप सर? हेलो, नहीं सर, इसमें पिवट क्योंकि अलग अलग कॉलम बन जाएंगे ना सर, क्या ए आपका अलग अलग कॉलम बन जाएगा, इसको कैसे कर? तो इसको करने के लिए हम अनपिवट डेटा सॉर्ट करेंगे। मतलब अगर इसको हम मैनुअल करना चाहें तो क्या करना होगा कि हम दूसरे सीट पे जाएंगे, यहां टाइप करेंगे नेम, यहां टाइप करेंगे डेट, ठीक है। और यहां मान लीजिए सेल्स है, तो हम सेल्स टाइप करेंगे। तो हमें क्या करना है कि इसको कॉपी करके यहां पेस्ट करना है, फिर वापस हम जो इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसको यहां पेस्ट करेंगे। नहीं, ये यहां पेस्ट होगा, माफ कीजिएगा, और यहां पे हमारा डेट पेस्ट होगा, समझे? ये हमारा डेट पेस्ट होगा। फिर अगेन मैं नेम को कॉपी करूंगा और दूसरे डेट के लिए नीचे पेस्ट करूंगा, फिर मैं इसको जुलाई को सिलेक्ट करके यहां हम जुलाई का डेटा डालेंगे और फिर वापस जुलाई करेंगे। ये तो मैनुअल हो गया ना सर, ये जो चीजें आपने देखा इसको तो मैंने मैनुअल करके दिखाया, लेकिन ये आपका ऑटोमेटिक कैसे होना चाहिए? देखिए, जब तक पावर क्वेरी नहीं आया था तब तक इसके लिए मैं VBA प्रोग्रामिंग की कोड लिखा करता था, लेकिन जब जब आपका ये आ गया पावर क्वेरी, उसके अंदर एक फीचर है। चलिए मैं डेटा में जाता हूं और यहां सबसे पहले फ्रॉम टेबल, सॉरी अदर सोर्सेज में फ्रॉम टेबल, और फिर इसको हम थोड़ा सा टाइम लेगा, फर्स्ट टाइम टाइम लेता है दैट, ओके। ये आपके सामने पावर क्वेरी एडिटर खुल के आ गया, राइट। अब मुझे जिसको चाहिए, जैसे मुझे डेट नेम को तो नहीं करना है ना, नेम हमारा फिक्स कॉलन है, बाकी डेट को करना है, उसको पूरे को आप सेलेक्ट कर लें। पूरे क्या कर लें? पूरे को सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के साथ आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाले कॉलन में, होम के जस्ट बगल में ट्रांसफॉर्म वाला कॉलन है, उस ट्रांसफॉर्म वाले कॉलन में आपको दिखेगा अनप्योर्ड कॉलन्स। यहाँ पे दिख रहा है अनप्योर्ड कॉलन, अनप्योर्ड कॉलन, अदर कॉलन, और अनप्योर्ड ओनली सिलेक्टेड कॉलन। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अनप्योर्ड कॉलन पे क्लिक कीजिए। अनपिवट क्लिक कॉलम पे क्लिक करते ही ये आपके सामने एट्रीब्यूट आ जाएंगे, सारे डेट्स आ जाएंगे, और यहाँ आपके जो है वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब एट्रीब्यूट के जगह पे मैं इसको डेट चेंज कर देता हूं, और हम इसका नाम कर देते हैं सेल्स, राइट। और जब फाइनल हो जाए
तो आप इसको लोड टू करें, क्योंकि मुझे इसको पिवट में लाना है, इसलिए हम यहाँ पे लोड टू किए और पिवट टेबल रिपोर्ट पे क्लिक किया, जहाँ पे अब मेरे जो डेट्स है वो कहाँ आ गए हैं, तो डेट में आ गए। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ मैं डेट रखता हूँ और यहाँ मैं नेम रखूँगा और यहाँ सेल रखेंगे। अब डेट बाय आया, अब मैं इसको राइट क्लिक करके ग्रुप कर सकता हूँ, बट ग्रुप नहीं होगा। क्यों ग्रुप नहीं हुआ सर? इसका इसका छुपा हुआ है किसमें? इसके टेबल में। मैं इस पर राइट क्लिक करके एडिट करता हूँ। देखिए पावर क्वेरी में प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी डेटा इंपोर्ट करते हैं वो सारा डेटा बाय डिफॉल्ट किसमें लेता है? टेक्स्ट में लेता है। जैसे डेट को देखिए, यहाँ पे ABCD लगा हुआ है, तो इसने क्या मान लिया? इसको डेट मान लिया, नंबर मान लिया। इसको मैं डेट पे क्लिक करूँगा तब ये डेट के फॉर्मेट में आएगा और डेट माना जाएगा। और फिर मैं लोड एंड क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए ये डेट आ गया। अब राइट क्लिक करके अब मैं इसको आसानी से ग्रुप कर सकता हूँ। एक बार रिफ्रेश करना होगा। अब इसको राइट क्लिक कर ग्रुप किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए मुझे 7 दिन का वीक वाइज चाहिए, तो 7 दिन डेज का सिलेक्ट करके ओके कर दिया, तो 7-7 दिन का ये आपके सामने आ गया, राइट सर। इस तरह से अनपिवट हम यहां पे करते हैं। क्लियर है? यस सर।